dekoda bana. Sinan amca. Ah, Merry Princess. Hoşamdet Prince. Thank you. Ladies and gentlemen, अब मैं दावत देना चाहूंगी एक नए कपल को कि वो स्टेज पर आएं और अपनी परफॉर्मेंस पेश करें. मलिक नजर नहीं आ रहा यहाँ. वो तो ऐसी पार्टीज कभी नहीं छोड़ता है. कोई ना कोई मसला तो जरूर हुआ है. समझ नहीं आ रहा आखिर उसके साथ चल क्या रहा है. कोई घरेलू मसला हो गया होगा तभी तो नहीं आया. क्या तुम और सिनान फिर से साथ हो? हाँ बिल्कुल, जैसे पहले हुआ करते थे. सुन के अच्छा लगा मुझे. अरे वाह, तुमसे एक सवाल पूछती हूँ मैं. सिनान को कैसी कॉफी पसंद है? सिनान को कॉफी पसंद है बहुत ही ज्यादा, और कॉफी के साथ कप केक खाना भी पसंद है. अच्छा वाकई में? जबरदस्त. नॉनसेंस. उफ सिनान उफ. क्या हुआ आयला, अब क्या करती है मैंने? कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया. नैना कहाँ है, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, मुझे क्या पता. उफ़, यहाँ मेरे अल्लाह, कहाँ रह गया ये अक्रम? वो मेरे साथ, आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है वो मेरे साथ ऐसा? उफ अक्रम साहब, कहाँ रह गए थे आप? जानते हैं कितना परेशान हो रही थी मैं आपके लिए. अनाउंसमेंट होने वाली है अभी. नैना साहबा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ. अक्रम साहब, इस वक्त मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी. थोड़ी देर में स्टेज पर हम लोगों को बुलाने ही वाले हैं. ऐसा क्या कहना चाहते हैं? यार बाजिर, मुझे लग रहा है इनके डांस में कुछ कमी है. मुझे भी ऐसे लग रहा है, थोड़ी सी कमी है लेकिन केमिस्ट्री अच्छी है. हाँ हाँ. स्टेज पर पहुंच जाए, अगली बारी आपकी है. बिल्कुल बिल्कुल, हम पहुंच जाएंगे अगर मुझे कुछ ना हुआ तो. अब जाइए यहाँ से. अब क्या करूं मैं? या मेरे खुदा, इसे क्या हुआ? मिस्टर अकरम, इसे क्या हो गया? अकरम साहब, अकरम साहब, क्या ये सोने का वक्त है? आप भी हद करते हैं. प्लीज उठ जाए अभी. उठे उठे चले, शाबाश. देखिए नैना साहिबा, मैं आपको कैसे बताऊं, स्टेज पर नहीं जा सकता मैं. बहुत डर लगता है मुझे, बेहोश हो जाऊंगा मैं स्टेज पे. क्या? क्या? ये कोई मजाक का वक्त है भाई, हैं? देखिए फजूल बातें बंद करें अपनी. हाँ ये नैना कहाँ रह गई यार? जी कहिए. एक्सक्यूज मी. जी बिल्कुल, मैं ही हूँ. देखिए अक्रम साहब, अगर आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है तो आप यूँ समझिएगा कि आप स्टेज पर हैं ही नहीं, और आपका नाच देखने वाला कोई भी नहीं है. यानी आप यूँ समझिएगा कि पूरा का पूरा हॉल खाली है और वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ. अगर आपको लगे कि कोई बैठा हुआ है तो समझिएगा परिंदे बैठे हैं.
चलो कुछ और बताती हूँ। पहले मैं भी ऐसी ही थी बिल्कुल, मुझे स्टेज फोबिया तो लोगों का सामना नहीं कर सकती थी मैं। बिलाखिर मैंने अपने में कॉन्फिडेंस पैदा किया ताकि मैं लोगों का सामना कर सकूं। और आज देखिए मैं आपके सामने कितने कॉन्फिडेंस से खड़ी हूं। एक बात बताएं मुझे, अगर आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है तो इतने सारे मेडल्स कैसे जीते? उस वक्त तो मैं काफी जवान हुआ करता था, यंग मैन। जल्दी चलें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने मिस्टर अक्रम, स्टेज पर जा रही हूँ मैं, हाँ, और आप भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इस वक्त मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। यहाँ पहुँचने के बाद अब मैं पीछे बिल्कुल नहीं हट सकती। ये कंपटीशन बहुत अहम है मेरे लिए और आप आ रहे हैं मेरे पीछे, समझ गए? देखो तुम आज तक मेरे साथ रहे हो, इस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ देना, मुझे अकेला मत छोड़ना और हमेशा की तरह मेरी मदद करना। जल्दी से आ जाओ। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मिस्टर अक्रम,